व्हाट इज़ अप गाइस, आई एम बैक अगेन। एंड इस बार हम लोग एक छोटा सा गार्डन बना रहे वहाँ पे, जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे कुछ यंग दोस्त लोग हैं, वो एक छोटा सा मिनी गार्डन बना रहे। वी ऑलरेडी ब्रॉट ऑल द प्लांट्स, सो द गार्डन इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर बटरफ्लाइज एंड दैट्स वाई फिर फ्लावरिंग प्लांट्स लेके आए। सो दिस इज़ अ लांताना, दिस इज़ अनदर बटरफ्लाई अट्रैक्टिंग प्लांट। वी ब्रॉट फोर प्लांट्स ऑफ रोज, देन वी ऑल्सो हैव एग्जोरा। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो छोटे प्लांट्स हैं एंड दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मोर स्पेसिफिक टू अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड बग्स एंड इंसेक्ट्स एंड दैट्स द प्लान। सो अभी वो सब हम लोग ने ला के तो रखे यहाँ पे एंड द गार्डन दैट वी आर ट्राइंग टू मेक इज़ ओवर हियर। सो दीज किड्स एंड यंगस्टर्स हैव हेल्प्ड अस इन यू नो इन bringing in the new soil। तो यहाँ पे पूरा काम चल रहा है। सिल्वेस्टर पहले ही हंस रहा है, ये वही है लास्ट व्लॉग वाला बंदा। एंड दिस इज़ वेरी स्टेज। सो यहाँ पे हम लोग ने एक पूरा ऐसा डिग करके रखा है एंड नई मट्टी डाली है। दिस इज़ गौरांग, ध्रुव, शंकर, ऑल ऑफ दीज गाइज हैव हेल्प्ड अस। एंड अभी हम लोग सिर्फ वो सॉइल नया बिछा के रख के रखा है, उसके बाद वंस द रेन कम्स तो थोड़ा वो फ्लैट हो जाएगा एंड देन वील डिसाइड वेयर टू प्लांट ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज़ लाइक अ बिफोर द गार्डन हैपनिंग वाला फुटेज, आफ्टर क्या बाद में डालेंगे। दो झाड़ बचा था गार्डन के लिए, एक तो तुलसी का झाड़ है और एक नींबू का झाड़ है। अभी वो अभी हम लोग ने ले लिया है। अभी पूरा झाड़ का कलेक्शन हो गया है, अभी गार्डन में थोड़ा सा सॉइल डालना है एंड देन वील स्टार्ट विद द प्लांटेशन। ऑल राइट, सो वी आर बैक एट द गार्डन स्पॉट। ये पूरा गार्डन का एरिया है, काफ़ी लेवल लग रहा है अभी, बट पत्थर भी है, थोड़ा सा और मट्टी चाहिए एंड आफ्टर दैट वील स्टार्ट विद द प्लांटेशन। हमारे साथ दो मेंबर और है, बिल्लू बार और वाइटी, कुछ हेल्प तो कर रहे हैं नहीं। लेकिन अभी ना हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग पीछे के ग्राउंड से थोड़ा सा मट्टी खोद के वो लेके आएंगे, बिकॉज रेड सॉइल हम लोग का कम पड़ गया है हम लोग के बटरफ्लाई गार्डन में। सो नाउ द प्लान इज़ टू यू नो गेट सम एक्स्ट्रा सॉइल फ्रॉम आर ओन ग्राउंड इट सेल्फ। बिल्लू काय पाहिजे तुला? म्याओ, ए म्याओ, कुछ हेल्प तो करता है नहीं भाई तू हम लोग को गार्डन बनाने में। ये एक्चुअली गार्डन सॉइल जैसे ही लग रहा है, रेड एकदम। ये हम लोग का कॉलोनी का पीछे का ग्राउंड है, तो यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा सॉइल मिलेगा फ्री में। सिल्वेस्टर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। ये एक गुनी हो गया ना, ऐसा अपने को 5 बार करने का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चिल्लर पार्टी गैंग इज हियर, शंकर नारायण और रौनक पांडे। दीज किड्स हैव वॉलंटरीली डिसाइडेड टू हेल्प अस विच इज़ ग्रेट। मट्टी निकालना इज़ नॉट ए ईजी टास्क, हालत ख़राब हो गया सबका। 3-4 गुने में ही हम लोग ख़त्म हो गए भाई, इट्स अ हेक्टिक टास्क। स्कूटी पे रख दो साइड से, झाड़ संभालो, झाड़ के ऊपर से आ जाओगे। नहीं, तो नहीं इतना भारी नहीं है, नहीं। लेके आ जाओ अपने। अभी दिस इज़ जस्ट 4 गोनीज जो हम लोग ने ग्राउंड में से निकल के आया। दिस इज़ नॉट इनफ, बट इसमें काम चलाना पड़ेगा। ये अभी हम लोग थोड़ा लेवल अप करेंगे यहाँ पे। बिल्लू स्टिल प्लेइंग विथ मी, नॉट हेल्पिंग। जाना उधर मट्टी में, ये लेवल करना थोड़ा। अभी तो गार्डन काफ़ी लेवल लग रहा है, बट पत्थर बहुत है, तो अभी हम लोग इंडिविजुअली हाथ से थोड़े थोड़े जितने भी ऊपर पत्थर है वो हटा रहे एंड उसके बाद वील स्टार्ट विद द प्लांटेशन। हमारे बटरफ्लाई गार्डन के इनिशिएटिव में अभी दर्शन देते हुए गौरांग, सेकेंड डे, बहुत लेट आए हैं तो आज सारा काम इससे ही करवाएंगे। वो अभी मेहनत वाला काम तो हो गया, मट्टी एक्स्ट्रा डाल दी है, अभी नेक्स्ट मेहनत वाला काम है एक्चुअली झाड़ लगाना। तो हमारे चर्च गार्डन में से जो झाड़ हम लोग लेके आए थे, पहले नींबू का ले ले, नींबू का और तुलसी का ले ले दोनों, और फिर ये सब भी ले ले, हिबिस्कस के 2 ले ले। कौन से है तेरे को याद भी है क्या? नहीं, हिबिस्कस नहीं है वो, हाँ उसमें से 2 ले ले, आई थिंक 3 लाए थे अपन ने, तो 2 ले ले पहले। ऐसा क्यों लग रहा है बारिश होने वाला है? चलो झाड़ आ गए, अभी एक एक लगाने शुरू। एग्जैक्ट सेंटरला गौरांग आई गेस अपन, हाँ थोड़ा अजून सेंटरला बघ,
मग बरोबर सेंटर बघा आणि ठेवा. ओके तो पहिला झाड नींबू का सेंटर में लगा रे. चलो गौरांग के हस्ते उद्घाटन हो गया पहिला झाड. मेन टास्क इज टू मेक द प्लांट सर्वाइव ऑल्सो. आता पावसाळ्यात प्लांट करना. बिल्लू कोशिश कर रहा है उसका हेल्प करने के लिए. ऑलराइट सो द बटरफ्लाई गार्डन इज टेकिंग शेप. यहाँ पे तुलसी लग गया है, सेंटर में है नींबू का झाड़, उसके आगे चार रोज बनाए वो उसका एक ऐसा थोड़ा सर्कल में रखेंगे, कॉर्नर्स पे एक हिबिस्कस उधर एक हिबिस्कस उधर. वी स्टिल हैव मेनी मोर प्लांट्स टू गो, तो अभी वो भी लेके आते. गेस्ट अपीयरेंस, थोड़ा हेल्प भी करो यार, क्या कर रहे हो? उधर उधर बटरफ्लाई गार्डन बन रहा है, जाओ जल्दी जाके जरा चेक करो कैसा हुआ है काम. बटरफ्लाई आएंगे पहले, गार्डन तो बना है. एक मिनट हम गार्डन दे, जरा झाड़ा घ्यायला मदद करिए इकडे. बरं झालं आलायस, दोन झाडं फक्त घेऊन जायचे. हमारे सेलिब्रिटी शुभंकर भी थोड़ा सा अपना योगदान देते हुए. क्या बात है, एक नंबर. काल आपला दगड दिसला, ये पत्थर देख लो. अरे भाई इससे वर्कआउट हो सकता है. गया बाहर की हू गया सारा झाड़ा बग गौरंग, तो यानी वर्कआउट करू शकतोस. आता भरून टाक आधी पूर्ण, नाही पहिले भरून टाक, पहिले भर. अरे भाई एक और आया क्या? रकड होते. ठीक है चल ना, एक काम का पूर्ण लेवल करून टाका ना भरून आधी, मगच झाड लावा. थोडा ड्रिंक्स ब्रेक. बहुत घंटे से काम कर रहे, बहुत घंटे नहीं एक्चुअली, एक दो घंटा ही हुआ है, बट द गार्डन इज टेकिंग शेप. यहाँ पे एक फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसके पीछे फ्लावरिंग प्लांट है हिबिस्कस, उसके बाद ब्लू जमैकन स्पाइक, देन बीच में चार रोज़ है, उसके पीछे नींबू का है, एंड अभी उसके पीछे हर्ब्स है जैसे कि तुलसी और मिर्ची. ये दोनों बच्चों को एक मस्त काम दिया हम लोग ने, बेसिकली मिट्टी लेने का और छलनी से छलने का. तो छलने के बाद अंदर एकदम बारीक मिट्टी बच जाता है, तो वो हम लोग बाद में इसको टॉप अप करने यूज़ करेंगे. स्मार्ट आइडिया. ऑलराइट वी आर डन फॉर द डे ऑलमोस्ट. सारे झाड़ फ्लावरिंग झाड़ लगा दिए, अभी बस लास्ट टचअप कर रहे, थोड़ा मिट्टी छल के रख रहे. अभी होप करेंगे कि ये थोड़े इसके रूट्स पकड़े, कोई कोई झाड़ शायद मुरझा गए थोड़े. तो दिस इज़ मिर्ची का झाड़, तो थोड़ा मुरझा गया है, तो आई डोंट नो इफ इट विल सर्वाइव, बट बाकी झाड़ तो ठीक लग रहे हैं. अभी बारिश में कितने सर्वाइव करते वो देखना पड़ेगा. ओके सो आज का वर्क इधर ही समाप्त होता है. द गार्डन इज़ ऑलमोस्ट बिल्ट प्रॉपरली, अभी सिर्फ फाइनल फिनिशिंग टच देने हैं एंड थोड़ा सा डेकोरेशन करना है, एंड उसके बाद मैं आपको एक लास्ट फाइनल ओवरव्यू दिखा दूंगा. गार्डनिंग कर लो तुम लोग, प्रोफेशनल गार्डनर्स बन गए लोग अभी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, बिकॉज दैट विल हेल्प अस मेक मोर सच वीडियोज़. एंड इसका मैं पार्ट टू डेफिनेटली बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको एक अपडेट दूंगा अबाउट द टचअप्स एंड फाइनल ब्यूटिफिकेशन दैट वी डू टू दिस गार्डन. तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन कर दो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब मैं वो सेकेंड वीडियो डालूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. पीस.